आज नवरात्रि का पहला दिन, सुबह उठकर मैं नहाकर चला गया मंदिर। यह मंदिर हनुमान जी की मंदिर है जो हमारे पूर्वजों द्वारा बनवाई गई थी। यहाँ पर भी माता की चौकी लगी हुई थी, तो मैं वहाँ पर गया और पंडित जी से अपना तिलक कराया। तिलक करा कर मैं चला गया मार्केट, जहाँ मैंने सब दाने लिए और फिर मूँगफली के दाने लिए, क्योंकि आज फास्ट था, घर पे सभी लोग फास्ट थे। घर आकर मैंने चाय पिया, तब तक पंडित जी आ गए। उनके साथ मिलकर मैं वेदी बनाने का कार्यक्रम में उनके हाथ बटाने लगा। ये नवग्रह की वेदी होती है जिनमें हम नवग्रह की वेदी बनाकर पूजा करते हैं। यह वही नवग्रह हैं जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित हैं, बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति, गुरु। इन सभी नवग्रहों को बनाने में कम से कम 1 घंटा लग गया। इन सभी नवग्रहों को बनाने के बाद लास्ट में अंतिम समय था इनका बॉर्डर बनाना। हम लोगों ने इनका बॉर्डर बनाया और लास्ट में वेदी बन के तैयार हो गई। फिर पंडित जी ने उस कलश पर कपड़े बांधे जो उस स्थापना करने थे। फिर मैंने अपने द्वारा लाए गए बालू में हरी मूंग मिलाई, धान मिलाया, गेहूँ मिलाया और लास्ट में इसमें जौ मिलाकर इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद पंडित जी ने इस बालू को लेकर नवग्रह के सामने रखा, जहाँ पर हमें एक चौकी बनानी है जिस पर कलश की स्थापना होगी। चौकी बन के तैयार हो गई, कलश भी उस पर रख दिया गया और फिर पंडित जी ने गोबर से उस पर टीका किया। टीका लगाने का कार्य संपन्न हुआ। फिर इसमें काम था जल भरना। फिर मैं बड़े से बाल्टी में जल लेकर आया और एक एक करके दोनों कलश को मैंने जल से भर दिया। कलश को जल से भरने के बाद अब था इसमें आम के पल्लव डालना और पंच पल्लव। एक में आम के पल्लव डाला गया और दूसरे में पंच पल्लव। उसके बाद इसमें धूप डाला गया, फिर इसमें कसैली डाला गया, करके सब तैयार कर दिया गया और फिर गणेश जी, पार्वती जी को भी रख दिया गया और लास्ट में विराजमान हुए हमारे शंकर जी। शंकर जी के विराजमान होने के बाद पूजा शुरू हो गई। पंडित जी ने मंत्र वाचने लगे जिसमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा हुई, फिर पार्वती जी, फिर वरुण देव, फिर नवग्रह की पूजा हुई और इन सबकी पूजा के बाद हुई हमारे शंकर जी की पूजा, जिसमें पापा जी ने अच्छे से शंकर जी की पूजा की। सभी पूजा खत्म होने के बाद लास्ट में बारी थी आरती की। फिर हम लोगों ने आरती किया, आरती में सभी लोग सम्मिलित हुए। आरती संपन्न हुई और आरती संपन्न होने के बाद हम लोगों ने जयकारे लगाए, जिसमें हम लोगों ने सभी देवताओं के जयकारे एक एक करके लगाए और इन सभी जयकारों के बाद हमारी पूजा समाप्त हो गई। जय 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 हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, माता की रक्षा हो, माता की रक्षा हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, मंदिरों की मर्यादा बनी रहे, बनी रहे, बनी रहे, बनी रहे, बनी रहे।